मुझे किसानों के ध्यान है कि किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है। जालौर और सिरोही के अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। मैं भले एमपी था या जनपति नहीं था, फिर भी मैंने लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ाई लड़ूंगा। और पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी वो सिरोही जालौर के लिए किसानों और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की मैं सबसे पहली प्राथमिकता। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उस समय देवजी पटेल का काफ़ी विरोध भी रहा था जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, और ये माना जाता है कि आप भी देवजी पटेल की ही ग्रुप से आते हैं, उसी गुट से आते हैं, तो उसको पहले तो मैं क्लियर करूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आपने नाम लिए हैं ना, उस समय मैं जो कार्यकर्ता था उस समय वो नहीं थे जिसका आपने नाम लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी और लोगों का समय शायद मिलेगा, आते ही सबसे पहले मंडी के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हल करूंगा, और इसके अलावा जो जो भी हल होगी, जो जो प्रॉब्लम होगी वो मैं बिल्कुल हल करूंगा। और जैसे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, उसको सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी ट्वीट किया है जी। और उस वीडियो को बनाने वाले हेमंत पुरोहित है, जो पिछली बार अभी विधानसभा में बागी होकर के चुनाव लड़े थे। क्या लगता है बागियों के लिए भी आपके रास्ते खुल जाएंगे? उम्मीदवार भाजपा से लुम्बाराम चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन प्राथमिकताओं के आधार पर इन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और अब ये जनता के बीच में क्या विजन लेकर के जाएंगे। लुम्बाराम जी, बताया जाता है कि बड़े जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं आप, और आपको लोकसभा जालौर का भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, क्या विजन है आपका इस क्षेत्र को लेकर? पहले तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री नितिन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब और पूरी टीम, और सिरोही और जालौर की पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को लोकसभा के लिए मुझे टिकट दे करके हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। उसके लिए मैं संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो महात्मा थी उसके अंदर, उसके तहत में इन्होंने जो हमें टिकट देकर एक कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है, जनता का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं किसान हूँ और मुझे किसानों के ध्यान है कि किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है। जालौर और सिरोही के अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। मैं भले एमपी था या जनपति नहीं था, फिर भी मैंने लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ाई लड़ूंगा, और पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी वो सिरोही जालौर के लिए किसानों और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की मैं सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जालौर में जो सांचौर की और रानीवाड़ा की सीटें हैं वहाँ पे भाजपा ने हार का मुंह देखना पड़ा, रेवदर भी उसमें इंक्लूडेड है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उस समय देवजी पटेल का काफ़ी विरोध भी रहा था जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, और ये माना जाता है कि आप भी देवजी पटेल की ही ग्रुप से आते हैं, उसी गुट से आते हैं, तो उसको लेकर? पहले तो मैं क्लियर करूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो आपने नाम लिए हैं ना, उस समय मैं जो कार्यकर्ता था उस समय वो नहीं थे जिसका आपने नाम लिया है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी ग्रुप से नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और जहाँ जीतने की बात है वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इस देश के अंदर जो विकास कार्य किया है और जो कार्य किया है उसके लिए जनता उसकी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीट है पूरा ऑल इंडिया में। जो हमारा मिशन है वो पूरा होगा, 400 पार होगी, यही मिशन। लेकिन अभी भी आप एक चीज नहीं बता पाए हैं कि जनता के बीच में आपके विजन क्या है, मुद्दे क्या है जनता के बीच। पहले तो मैंने बता दिया पानी का जो मेन मुद्दा था महत्वपूर्ण, वो आपको ध्यान है, मैंने उसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है और 5 साल इस कांग्रेस निकम्मी सरकार के सामने ही मैंने लड़ी है। यहाँ का प्रभारी मंत्री को मैंने कभी छोड़ा नहीं है, मैंने ज्ञापन दिए, वो आज लेटर उसके सरकार के, उन्होंने मेरे पास लेटर आए, सिरोही जिला हेडक्वार्टर मान ले, आज तक देश आजाद होकर के यहाँ पर मंडी तक नहीं है किसानों के लिए, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। और मैं उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी और लोगों का समय शायद मिलेगा, आते ही सबसे पहले मंडी के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हल करूंगा, और इसके अलावा जो जो भी हल होगी, जो जो प्रॉब्लम होगी वो मैं बिल्कुल हल करूंगा। और जैसे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, उसको सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी ट्वीट किया है जी। और उस वीडियो को बनाने वाले हेमंत पुरोहित हैं, जो पिछली बार
अभी विधानसभा में बागी होकर के चुनाव लड़े थे, क्या लगता है बागियों के लिए भी आपके रास्ते खुल जाएंगे? जहाँ तक मैं, जहाँ मोटरसाइकिल की बात है, मैं कहीं भी कोई कार्यकर्ता चलता है, मुझे कोई साइकिल वाला मिल जाने के बैठ जाओ तो भी बैठ जाता हूँ। मोटरसाइकिल की बड़ी बात है, कोई भी कार्यकर्ता उसके पीछे बैठा हो और बैठा करके कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी भले मुझे साइकिल में कोई कार्यकर्ता उसमें वीडियो उतारा कैसे उतारा उससे मेरे को लेना देना नहीं। तो क्या बागियों को मनाने के लिए भी नहीं? बागियों की मनाने कोई बात ही नहीं, किसने बनाया क्या बनाया वो नहीं है, मैं मेरे काम में मेरा कार्यकर्ता था, मैं कोर्ट में जा रहा था, गाड़ी आ रही थी और कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, वो गाड़ी आ रही है, अरे क्या मेरे मोटरसाइकिल, मैं पीछे बैठा, कौन वीडियो उतारा क्या उतारा उससे भी मेरा लेना देना। आपको तो खुश होना चाहिए कि बाबी की जो बागी रहे वो भी आपके पक्ष में। भाई साहब कौन पक्ष में है कौन पक्ष नहीं, मोदी जी के सब पक्ष में।